नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जो आपके एग्जाम में यानी कि छत्तीसगढ़ में आने वाली भर्तियों से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास, जो आपके व्यापम और पीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत। चलिए आज हम देखने वाले हैं पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जादव प्रथम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, जो आपके एग्जाम में यानी कि पीएससी और व्यापम के एग्जाम में 1 से 2 नंबर प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वीदेव प्रथम है वहां से अभी हाल ही पीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें 2023 में, है ना, 2023 में जो पीएससी एग्जाम हुआ था उसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये वाला पृथ्वीदेव प्रथम, देखिए जो पृथ्वीदेव प्रथम है आपका 1065 ईस्वी से लेकर 95 ईस्वी, है ना, 1065 ईस्वी से लेकर 95 ईस्वी तक ये चला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उपाधि के बारे में। जो उपाधि है, ध्यान से समझिएगा, जो उपाधि है पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोशलधिपति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी तो आप बताइएगा, सकल कोशलधिपति उपाधि की धारण प्राप्त की थी। ये आपकी पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है, 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो आप बताएंगे सकल कोशलधिपति की उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार दूसरा है प्रचंड कोशलधिपति की धारण की थी। उसी प्रकार तीसरा है आपका महामंडलेश्वर, कौन सा है, महामंडलेश्वर, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले कि पृथ्वीदेव प्रथम ने 1065 ईस्वी से पूर्व 95 ईसा पूर्व तक उसकी शासन काल चला था। उसी प्रकार उपाधि के बारे में बात करें तो सकल कोशलधिपति की उपाधि धारण की थी, ये आपका पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बारे में बात करें कि प्रचंड कोशलधिपति की उपाधि, ये आपका व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। उसी प्रकार महामंडलेश्वर, ठीक है, उसी प्रकार महामंडलेश्वर है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ताम्रपत्र। देखिए, जो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं, जो ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र, यह आपका पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलिएगा कि जो ताम्रपत्र है आपका अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है, जो आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये अन्य ताम्रपत्र के बारे में बात करें, जो है आपका रायपुर व लाफा, इसी ताम्रपत्र के अनुसार 21 गांव के स्वामी थे, कौन, पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। अगर और भी पीएससी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका है अन्य ताम्रपत्र के बारे में बात करें, जो रायपुर और लाफा, ठीक है, रायपुर और लाफा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, जो कि इस ताम्रपत्र के अनुसार 21 गांव, कितने गांव, 21,000 गांव के स्वामी थे। उसी प्रकार निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए निर्माण व कार्य, है ना, तो जो पृथ्वीदेव प्रथम है उसका निर्माण व कार्य किए थे, रतनपुर में समुद्र के समान, यानी कि रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, कौन से निर्माण कराया था, विशाल तालाब का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो एक बार याद रखिएगा, विशाल तालाब का निर्माण कराया था, आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं आप निर्माण व कार्य है। तो जो पृथ्वीदेव प्रथम है वो आपका उसी के काल में, यानी कि रतनपुर में समुद्र के समान, जो रतनपुर जहाँ जिला है वहां पर आपका समुद्र के समान विस्तार के समान, है ना, ये आपका विशाल तालाब का निर्माण कराया गया था। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि तुम्हार में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने, आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था जिसमें तुम्हार में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये किसके शासन काल में आया था, पृथ्वीदेव प्रथम के शासन काल में आया था, ये आपका व्यापम में पूछा गया है। बात करते हैं बंकेश्वर मंदिर का, तो देखिए जो बंकेश्वर मंदिर है आपका निर्माण किसने किया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था। बंकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पूछेगा तो एग्जाम में तो आप लोग बताइएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने बंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ये आपका पीएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
उसी प्रकार हम देखेंगे पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का निर्माण, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा जो चित्तौड़गढ़ है आपका, ठीक है, चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का निर्माण करवाया था। इसी किले में तीन प्रमुख प्रवेश द्वार थे। कितने प्रवेश द्वार थे? इसी किले में आपका तीन प्रमुख प्रवेश द्वार था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है मेनका दरवाजा, उसी प्रकार आपका सिंह द्वार, हुंकारा दरवाजा। ये तीन जो टॉपिक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। फिर से देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का निर्माण करवाया गया था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसी किले में तीन प्रमुख प्रवेश द्वार के बारे में, जो आपका मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और हुंकार दरवाजा, ठीक है। एक बार फिर से याद करिएगा, मेनका दरवाजा, सिंह द्वार दरवाजा, हुंकारा दरवाजा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इतना ही जो टॉपिक मैं आपको बताया हूँ पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब बात करते हैं जाजल्य देव प्रथम के बारे में, ठीक है। जो जाजल्य देव प्रथम है आपका 1095 ईसा पूर्व से लेकर 1020 ईसा पूर्व तक लगभग उसी के काल में शासन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाजल्य देव प्रथम के बारे में, जिसका समाधि, यानी कि जो समाधि है आपका, गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। आपका पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है। हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसी में गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की थी? तो आप बताएंगे जाजल्य देव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद सिक्के के बारे में बात करते हैं, तो जाजल्य देव प्रथम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें जाजल्य देव प्रथम के बारे में, तो 1095 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1020 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। साथ ही समाधि के बारे में बात करें, तो जो जाजल्य देव प्रथम है जो समाधि ग्रहण की थी उसे गज शार्दुल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी जो उपाधि धारण की थी कौन सी? गज शार्दुल की, यह आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि सिक्के के बारे में, तो जो सिक्के हैं आपके, तो जाजल्य देव प्रथम ने दो सिक्के का निर्माण किए थे। कितने सिक्के? दो सिक्कों का निर्माण किया था, वो है आपका, देखिए, जो सिक्का का निर्माण किया था स्वर्ण के सिक्के, साथ ही तांबे का सिक्का। यानी कि इन्होंने जाजल्य देव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के और तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर्ण के सिक्के के बारे में, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, चलिए कॉपी रख लीजिएगा, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सर, ये सबसे पहले हम स्वर्ण के सिक्के के बारे में जानकारी लेते हैं। जो स्वर्ण के सिक्के है, जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ पर त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर लिए थे। किसके अधीनता को? त्रिपुरियों के अधीनता को अस्वीकार कर लिया था, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जाजल्य देव प्रथम ने। एक बार नोट करते हुए चलिएगा कि जो स्वर्ण के सिक्के हैं, छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के सिक्के चलवाए थे किसने? जाजल्य देव प्रथम ने। पहला स्वर्ण का सिक्का और दूसरा तांबा का सिक्का। तो सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो स्वर्ण का सिक्का है, ठीक है, जो स्वर्ण का सिक्का है, जाजल्य देव प्रथम ने त्रिपुरियों के अधीनता को अस्वीकार कर लिया था। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार उन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। किसने? जाजल्य देव प्रथम ने। उसके बारे में बात करते हैं दूसरा तांबे का सिक्का के बारे में। जो तांबा का सिक्का है आपका, ठीक है, जो चंदेलों के द्वारा, ठीक है, चंदेलों के द्वारा सिक्कों के समान है ना, जो चंदेलों के द्वारा सिक्कों के समान हनुमान की आकृति के सिक्कों का निर्माण किया था। किसने? जाजल्य देव प्रथम ने। तांबे के सिक्के के बारे में अभी बताया हूँ, पहला बताया था आपका स्वर्ण के सिक्के बारे में, जिन्होंने त्रिपुरियों के अधीनता को अस्वीकार कर लिया और छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पहली बार स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, जिसमें श्री मज्जे जाजल्य देव व गज शार्दुल की उपाधि धारण की, श्री मज्जे और गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब बात करते हैं तांबे के सिक्के के बारे में, तो वो कौन सी आकृति के समान था? हनुमान की आकृति के समान था, चंदेलों के सिक्के के द्वारा। आपके व्यापक में पूछ सकता है कि तांबे के सिक्के के निर्माण जो किया गया था किसके समान की आकृति की थी? तो चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति की थी, ठीक है। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में, तो जाजल्य देव प्रथम ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए, जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा कि जो मंदिर है जाजल्य देव प्रथम ने
जाजलपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था उसको नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर के नाम से जाना जाता है? नकटा का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नकटा का मंदिर है वो आपका जाजलदेव प्रथम ने निर्माण कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं जीर्णोद्वार के बारे में। जो जीर्णोद्वार है आपका पाली की शिव मंदिर, आप सभी को मालूम होगा पाली का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कोरबा में। ठीक है, याद रखिएगा जो कोरबा है आपका, कोरबा जिला है कौन सा, यहाँ पर पाली के शिव मंदिर का निर्माण जीर्णोद्वार किसने करवाया था पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे जाजलदेव प्रथम ने जीर्णोद्वार कराया था पाली के शिव मंदिर में। ठीक है, अब बात करते हैं इसी मंदिर का निर्माण। देखिए पाली के शिव मंदिर में इसी मंदिर का जो निर्माण कराया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है, जो बाणवंशी शासक आपका विक्रमादित्य के द्वारा जाजलदेव प्रथम ने इसी मंदिर का निर्माण कराया था कोरबा जिले में। एक बार फिर से याद रखिएगा जो जीर्णोद्वार कराया था किसने करवाया था? जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था कोरबा जिले में। साथ ही इसी मंदिर का जो निर्माण कराया था किसके शासन काल में, तो वो है आपका बाणवंशी शासन काल विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं जाजलदेव प्रथम के बारे में, जो विजय अभियान हुआ था। ठीक है, तो जाजलदेव प्रथम, ठीक है, जाजलदेव प्रथम, ठीक है, जो जाजलदेव प्रथम है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा विजय अभियान के बारे में। याद रखिएगा विजय अभियान, ठीक है, जो विजय अभियान किया गया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार याद रखिएगा जब जाजलदेव प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो विजय अभियान हुआ था, ठीक है, जो विजय अभियान हुआ था उसके बारे में बात करते हैं कि जाजलदेव प्रथम, ठीक है, जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक, आप सभी को मालूम होगा छिंदक है ना, छिंदक नागवंशी शासक, नागवंशी शासक कौन है? छिंदक नागवंशी शासक आपका सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव, ठीक है, अब याद रखिएगा सोमेश्वर देव को। ठीक है, जो जाजलदेव प्रथम ने सबसे विजय अभियान के बारे में बात करें, जो छिंदक नागवंशी शासक कौन है? सोमेश्वर देव। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर लिया और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। ठीक है, देखिए जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव है उसे जाजलदेव प्रथम ने इसे पूरी तरह पराजित कर दिया था। ठीक है, किसको? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पूरी तरह पराजित कर लिया था, साथ ही उनके पूरे परिवार को, साथ ही उनके पूरे परिवार को, ठीक है, पूरे परिवार को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? उसको पूरा बंदी बना लिया था और उसको पराजित कर पूरे, मतलब इसका कहने का मतलब है जो विजय अभियान हुआ था पहली बार, जो जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर लिया, उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया, जबकि सोमेश्वर देव की जो माता थी, ठीक है, सोमेश्वर देव की जो माता थी कौन थी? उसकी माता गुंड महादेवी थी, गुंडम महादेवी, ठीक है, गुंड महादेवी थी, जो उसके अनुरोध करने पर, किसके अनुरोध करने पर? उनकी माता गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर उसको पूरे परिवार को मुक्त कर दिया था। ठीक है, जो बंदी बनाया था उसको मुक्त कर दिया था। यह आपका पहला विजय अभियान था जो कि आपके पीएससी एग्जाम में 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, जो जाजलदेव प्रथम का विजय अभियान था छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को, यहाँ पर सोमेश्वर देव को उनके और पूरे परिवार को बंदी बना लिए थे। किसने बना लिए थे? जाजलदेव प्रथम ने। ठीक है, और जो जाजलदेव प्रथम पूरे बंदक को बंदी बना लिए थे, जिससे उसकी माता गुंड महादेवी की प्रार्थना करने पर, अनुरोध करने पर पूरे परिवार को मुक्त कर दिया था बंदी से। ठीक है, यही जो है आपको विजय अभियान था पहला वाला। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ठीक है, कौन कौन से देखेंगे? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, पूरा देखने वाला है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छी तैयारी करना है अगर पीएससी व्यापक का, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार कीजिएगा, 1 से 2 दिन आपके लिए मिल जाएगा।